हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु गुरु। दयालु गुरु जी वाराणसी से आते हैं, पहले तो आपको मंत्री पद मिलने की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। क्या आपके सामने चुनौतियां होंगी और उस चुनौतियों का आप सामना किस प्रकार से करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का जन्म चुनौतियों से जूझते हुए होता है, तो मुझको लगता है कि ऐसी कोई नई चुनौती नहीं है। जैसे हम काम करते थे समाज के लिए, आगे भी इस नई जिम्मेदारी के साथ भी वैसे ही अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहना है, और वही एक कार्यकर्ता की भाजपा की पहचान है। आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर क्षेत्र से आते हैं, काशी विश्वनाथ में 90 दिन में रिकॉर्ड 50 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन किया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बाबा विश्वनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी का विशेष स्थान है। ये चूँकि ये भगवान शंकर की नगरी कही जाती है, काशी नगरी बाबा विश्वनाथ का घर है, और बाबा विश्वनाथ के साथ ही माँ गंगा काशी में ही मिलती है, इसके सिवा बाबा विश्वनाथ से कहीं नहीं मिलती। तो ये काशी अपने आप में एक अद्भुत शहर है, और कॉरिडोर बनने के बाद जो योगी जी का, मोदी जी का सपना था, निश्चित ही कॉरिडोर बनने के बाद जिस तरीके से भव्यता बढ़ी है, जिस तरीके से जैन संलाप, पूरे हिंदुस्तान के लोग काशी में जिस तरीके से आ रहे हैं, काशी भी हतप्रभ है कि बाबा के प्रति मन में इतनी श्रद्धा लोगों की, कितना दिन तक लोग उसका इंतज़ार किए हैं इस अच्छे दिन का। योगी सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक जी, क्या फैसले हुए? एकमात्र फैसला, वो भी 3 महीने के लिए, अपनी खाद्यान्न योजना को, जो गरीबों को, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों में 13 करोड़ से ज़्यादा जो सामान्य कार्ड धारक हैं और 1 करोड़ अंत्योदय जो कार्ड धारक हैं, उन सबको राशन प्लस जो अंत्योदय के लोग हैं उनको चीनी, नमक और तेल का वितरण अगले 3 महीने तक वैसे बदस्तूर जारी रहेगा, मुफ्त में निशुल्क। तो ये थे हमारे साथ दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु गुरु। गौरव मारुति शर्मा, लाइव भारत न्यूज़, लखनऊ।